रिसेंटली मेरे मदर को हमने डिस्कवर किया था कि शी हैड ब्रेन ट्यूमर एंड उनके 3 ईयर्स से सीजर्स बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए थे. वी कंसल्टेड मैनी डॉक्टर्स इन लुधियाना, इन दिल्ली, इवन ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, बट वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस एंड विद द कंसल्टेशन दैट वी गॉट फ्रॉम द डॉक्टर्स. आई मीन दे वर गुड डॉक्टर्स बट स्टिल एक कम्फर्ट जोन होता है तो हमें वो फील नहीं हुआ. एंड इवन इन बॉम्बे वी एक्चुअली ट्राइड फ्यू डॉक्टर्स ओवर हियर बट वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद द कंसल्टेशन. एंड देन वी मेट डॉक्टर दीपू बैनर्जी इन जसलोक हॉस्पिटल, दैट इज वेयर आई एम राइट नाउ. And the moment we met him in the first consultation, my brother was online, my mother was with me at that time, and we took the decision ke humne Jaslok Hospital se hi apna surgery plan karni hai. Main patient Surinder Kaur ke bare mein batana chahta hu. Ye Ludhiana se hain, inhone mere ko teleconsult pe consult kiya aur inka takleef 2019 se hai. जब इनको दौरे आए थे उस वक्त स्कैन में भी छोटा सा ट्यूमर दिखा था बट समाउ और कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ उस वक्त. फिर 20 में अगेन इनको दौरे पड़े बट अदरवाइज ठीक थी. बट अनफॉर्चुनेटली जून के महीने में, मिड जून में इनको बहुत सारे दौरे पड़े और उसके बाद इनकी स्पीच चली गई एंड इनकी राइट हैंड में वीकनेस आ गई. उस कंडीशन में ऑफकोर्स द फैमिली पैनिक्ड. वहाँ पर उन्होंने लोकल ट्रीटमेंट किया, स्टेरॉइड्स वगैरह दिया तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर उन्हें हमको कॉन्टैक्ट करने के बाद यहाँ पे आए. एंड द मोमेंट वी अराइव्ड ओवर हियर एवरीथिंग वाज सो इजी. एक सिस्टम में चलना कैसे है वो यहाँ पर आके हमें रियलाइज हुआ दैट इवन मेरे मदर सर्जरी में बैठे हुए वी वर सो अप टू डेट ऑन व्हाट वाज गोइंग ऑन इन हर सर्जरी. तो बेसिक चैलेंज इस केस में ये था कि इनका जो ट्यूमर था वो काफ़ी बढ़ गया था, उसमें ब्लीडिंग हो रखी थी, प्रेशर इफेक्ट था ब्रेन पे, स्पीच थोड़ी इंप्रूव हो गई थी बट ट्यूमर जो था इट वाज वेरी क्लोज, बिल्कुल जहाँ पे बोलने वाली एरिया, स्पीच एरिया और हैंड का एरिया होता उस जगह पे था. तो हम लोगों ने स्पेशलाइज स्कैन किया, वो सेंटर्स कौन से हैं वो आइडेंटिफाई किए और फिर डिसीजन लिया कि इसको ऑपरेट करके ट्यूमर निकालना जरूरी है बट उसके साथ साथ इनके फंक्शंस बचाने जरूरी हैं. तो हम लोगों ने अवेक क्रैनियोटॉमी के सहारे से इनको एक्सप्लेन किया और फिर ऑपरेशन के समय में इनसे बात करते रहे, बोलते रहे, गिनती रहीं और हम ट्यूमर निकालते रहे एंड मोस्टली कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल हो गया है एंड पोस्ट ऑप में शी इज बेटर, बात कर रही हैं, शी इज मूविंग अराउंड. मैं यहाँ ब्रेन सर्जरी के लिए आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी सर्विसेज और उनका बिहेवियर. हमें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम सर्जरी में नहीं पता हमें क्या हो रहा है, वी वर लाइक यू नो ब्लाइंड. लेकिन जब हमने ये सर्विसेज देखी यहाँ पर तो आज मेरा मन कर रहा है आप सबको रेकमेंड करने का कि आप लोग जसलोक हॉस्पिटल आओ एंड वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव, वॉट एवर इश्यूज यू हैव हेल्थ वाइज, आई थिंक यू इट विल बी टेकन केयर ऑफ ओवर हियर. फिजिकली ही नहीं, मेंटली, ना कि आपके पेशेंट के लिए बट आपकी फैमिली के लिए भी. थैंक यू वेरी वेरी मच जसलोक हॉस्पिटल.